हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जो रीट का मेंस एग्ज़ाम हुआ है, जिसके बेस पर अब आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो क्या कट ऑफ जा सकती है, रिजल्ट कब तक आ सकता है। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मैंने एनालिसिस करके बनाई है और अब मैं ये वीडियो आपके सामने जो अपलोड कर रहा हूँ, तो इसमें आप लोगों के भी जो विचार हैं वो स्वागत योग्य है। यानी कि अगर किसी को लगता है कि सर कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी तो इतनी जाएगी, तो वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें, तो एक बार और एनालिसिस करके हम वीडियो बनाएंगे। कट ऑफ में सबसे बड़ा रिस्क ये रहता है कि अगर हमने ज़्यादा बता दी तो कम वाले उसकी आलोचना करते हैं, अगर कम बता दी तो ज़्यादा वाले उसकी आलोचना करते हैं कि सर इतनी थोड़ी जाएगी, ज़्यादा जाएगी, पेपर ऐसा था वैसा था। चलो, ये सब बातें दूसरी हैं। वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन हब पर, जहाँ पर स्पेशल एजुकेशन की अपडेट दी जाती है। तो शुरू करते हैं। रीट का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था वो जुलाई में हुआ था और वो 150 मार्क्स का होता है, ठीक है, 150 मार्क्स का होता है। बट पहले क्या होता था, अब से पहले यानी कि 2022 से पहले, जब भी आप रीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते थे तो उसी के जो मार्क्स आते थे उसी के बेस पर मेरिट लगती थी और आपका सिलेक्शन हो जाता था। बट राजस्थान गवर्नमेंट ने अब चेंज कर दिया है, अब रीट जो है, जो रीट का 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसको सिर्फ माना गया है एक क्वालिफाई सर्टिफिकेट, उसको सिर्फ एक क्वालिफाई सर्टिफिकेट माना गया है, जैसे कि सीटेट को माना जाता है, ठीक है ना। जैसे सीटेट है 150 मार्क्स का क्वालिफाई सर्टिफिकेट, यानी कि जनरल कैंडिडेट के जो लोग हैं वो 60% यानी कि 90 मार्क्स लेकर आए, ओबीसी एससी एसटी 82 मार्क्स लेकर आए यानी कि 55% ओबीसी एससी एसटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब रीट का मेंस एग्ज़ाम हुआ था, जो हुआ था 25 फरवरी को, जो 150 मार्क्स का था, बट जो उसका एक क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स का था। यानी कि 150 मार्क्स का जो आपने पेपर दिया है तो आपके जो टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे वो 300 में से मिलेंगे। मान के चलो अगर आपने 60 ठीक करे हैं तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 300 में से 120। बात समझ में आ गई आप सभी को। नेगेटिव मार्किंग थी 1/3, तो यानी कि नेगेटिव मार्किंग थी, यानी कि जो आपके टोटल मार्क्स कटेंगे अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 0.66 ये आपके मार्क्स कटेंगे। अगर वही 150 में से होता तो आपके मार्क्स कटते 0.33, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि लेवल वन में जो वैकेंसी थी वो थी 21,000 वैकेंसी, जिसके अंदर स्पेशल एजुकेटर की एग्जैक्ट वैकेंसी थी 1867, यानी कि 1800 प्लस थी, 1867 वैकेंसी थी। और जनरल टीचर की वैकेंसी जो थी वो 19,133 थी। इसका टोटल हो जाता है 21,000। अब ये रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 10 अप्रैल है, उससे पहले आ सकता है या उस दिन आ सकता है, क्योंकि मैंने कई जगह न्यूज़ वगैरह में भी देखा है तो 10 अप्रैल के आसपास रिज़ल्ट आ सकता है। क्या कट ऑफ रहेगी, क्या रेशियो रहा है, यहाँ पर बात कर लेते हैं। कैटेगरी में बता देता हूँ और कट ऑफ बता देता हूँ। कैटेगरी जनरल में बात करते हैं, जो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, बहुत अगर बहुत गिरती है, क्योंकि अगर ज़्यादा ही पेपर हार्ड है तो 85, नहीं तो कट ऑफ जो रहेगी मेरे अनुमान के हिसाब से वो रहेगी 90 से 92 के बीच में। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं वो सेफ जोन में है। और इसी को अगर हम डबल करते हैं, यानी कि अगर हम इसको 300 में से करते हैं, तो जिन लोगों के 180-184 मार्क्स है वो लोग सेफ हैं। तो ये 300 मार्क्स में से बात हो रही है यहाँ पर, और ये हो रही है 150 में से, जिन लोगों के 150 में से 90-92 मार्क्स बन रहे हैं तो वो सेफ हो जाते हैं। और ओबीसी की मिनिमम 83 जाएगी, और जो जाएगी कट ऑफ वो जाएगी 82 से 90 के बीच में। और अगर हम इसको डबल करते हैं तो ये हो जाती है आपकी 300 में से 176 से 180 के बीच में, जिन लोगों के मार्क्स हैं वो सेफ हो जाते हैं। पहले यहाँ समझ लो, HI में जो रेशियो बना है इस बार वो बना है 1/7 का, यानी कि एक सीट पर 7 स्टूडेंट हैं। MR जो कि IDD है वर्तमान में, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, उसमें 1/5 का रेशियो है। VI में 1/8 का रेशियो है। MR में इस बार कम हो गया है, क्योंकि जो क्वालिफाई सर्टिफिकेट की वजह से, यानी कि रीट का जो प्री एग्ज़ाम था उसमें काफ़ी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं करवा पाए, तो इसलिए रेशियो थोड़ा सा यहाँ पर कम हो गया है। और ये जो कट ऑफ बहुत कम है इसलिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो रीट मेंस में जो बच्चे बैठे हैं वो बिल्कुल छट के बैठे हैं, प्योर बच्चे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कोई भी रिस्क वाली बात है नहीं। और रीट मेंस में ऐसा नहीं है कि आपको क्वालिफाई मार्क्स लाने पड़ेंगे, रीट मेंस में चाहे आप एक भी नंबर लाओगे तो भी आप मेरिट में शामिल होगे, बाकी बाहर हो जाओगे वो बात दूसरी है। तो जैसे कि यहाँ पर SC में 80 से 82 के बीच में जा सकती है, और मिनिमम अगर हम इसको लेते हैं तो 77। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। और ST का भी सेम सा है, इसका अगर यहाँ पर हम लेके चलते हैं कि अगर आप 70 के आसपास मार्क्स हैं मिनिमम, और 75 से 80, ये बता रहा हूँ मैं, ST की कट ऑफ जा सकती है। और PWD की जो कट ऑफ है वो SC के आसपास जाएगी, यानी कि 80 से 82 के बीच में, और EWS की 85 से 87।
अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है तो इन सभी में कट ऑफ में एक एक या दो दो नंबर बढ़ सकता है, बट ऐसा नहीं है कि कट ऑफ जो है वो 105 110 चली जाए, ऐसा बहुत कम हो सकता है। क्योंकि रीट का जो एग्ज़ाम आया था मेंस वाला वो हार्ड था। पहली बात तो है कि भाई रीट प्री में ही जो बच्चों को छाट दिया गया, रीट प्री में सिर्फ क्रीम बच्चों को चुना गया। अब क्रीम बच्चे रीट मेंस में बैठे तो वहाँ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन चला जाएगा। हाँ, अगर ये रीट में रीट प्री में ही आपको अगर वो करते, यानी कि अगर आपने रीट प्री किया और उसके बाद ही मेरिट लगती, तो जनरल में अगर आप 110 नंबर भी लाते तो भी आप सेफ़ नहीं होते, समझ रहे। बट क्या है कि रीट मेंस रीट प्री हो चुका है, रीट मेंस है, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि ये कट ऑफ जो रहने वाली है जनरल की 90 से 92 के बीच में, ओबीसी की 80 से 88 से 90 के बीच में, एससी की 80 से 82 के बीच में, एसटी की 75 से 80 के बीच में, और पीडब्ल्यूडी की 80 से 82 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की 85 से 87 के बीच में। लेवल टू की जो है यहाँ पर वैकेंसी थी 27,000, यानी कि यहाँ पर लेवल वन और लेवल वन प्लस लेवल टू मिला के टोटल वैकेंसी आई है राजस्थान में 48,000। तो लेवल टू की जो 27,000 वैकेंसी है इसमें स्पेशल एजुकेटर की है 2700 से थोड़ी सी कम, यानी कि 2633, और जनरल टीचर के 24,368, यानी कि ये टोटल हो जाती है 2700। तो ये जो वैकेंसी आई है तो ये रीट की वैकेंसी है लेवल टू की। तो लेवल टू की अगर कट ऑफ जाननी हो तो उसके एनालिसिस करके भी मैं वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो मैंने बनाई है, एक डिस्कशन है। अगर आप लोगों को लगता है कि कट ऑफ आगे पीछे रहेगी तो आप लोगों के विचार जो है वो स्वागत योग्य हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखिए, अपने अनुमान रखिए। बाकी रिजल्ट आएगा तो भी तो जो है असली रिजल्ट आ जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल। थैंक यू।